इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के SSL&T कॉलेज में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह की ब्राइड्स हैं, अलग अलग स्टेट से जो है वो ब्राइड बिलोंग कर रही हैं। एक यहाँ पर आज कंपटीशन रखा गया है, ब्राइडल फैशन शो आई है। हम इन बच्चियों से बातचीत करते जानते हैं कि किस थीम को लेकर आज यहाँ पर ये ब्राइडल फैशन शो किया जा रहा है, कैसे ये लोग रेडी हुई हैं और इसके पीछे का क्या कुछ उद्देश्य है। हम मराठी महाराष्ट्र की ब्राइड बने हैं और हमें रेडी की है मैम अर्चना साई मैम। कौन है ये मैम? रूबी मैम। हाँ, रेडी की हैं हम लोग, हम सभी लोगों को वही रेडी किए हैं। आप बताइए, आप कहाँ की? मैम पाकिस्तानी मुस्लिम बनी हूँ, पाकिस्तानी ब्राइडल और ये पाकिस्तान का है। और ये मैम को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हम लोग इतना अच्छा गोल्डन चांस दी कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेज पर अपना। थैंक यू सो मच मैम। तो आपको रेडी किसने किया? मैम ने। आप लोग कब से यहाँ से जुड़ी हुई है ब्यूटी एंड वेलनेस से, कितना वक्त? मैम सेमेस्टर वन से ही हम लोग हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ये सब्जेक्ट ये हम लोग को ब्यूटी और बैलेंस, मतलब हम लोग कैसे हेल्दी रहें, फिट रहें, ये हम लोग को ये बताता है। तो आने वाले वक्त में क्या बनना चाहती है फ्यूचर में? फ्यूचर में तो मैम मेरा इससे कोई स्कोप नहीं है, मैं IPS बनना चाहती हूँ। लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट है? हाँ इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच मैम। कश्मीर से, कश्मीर का ब्राइडल है ये और ये हम रूबी मैम ने हम लोग को ये तैयार किया और उनके तरफ से ही ये शो किया गया है और ये शो करके बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से तैयारी चल रही थी? ये मतलब 20-30 डेज से चल रहा है, 20 डेज से। 15 दिनों से करीब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लड़कियां भी काफ़ी एक्साइटेड थी, लड़कियां काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी और मेकअप जो है वो लड़कियों के लिए बहुत पसंदीदा चीज़ होता है। हर लड़कियां चाहती है कि हर फंक्शन में हम लोग आएँ और सुंदर दिखें। तो अगर ये लोग प्रोफेशनली नहीं भी जा सकती है बट अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने सोसाइटी में जो लड़कियों के बीच में होता है वो ज़्यादा ये लोग अपने आप को अच्छा साबित करती हैं और इनकी खोज होती है। जब परिवार में शादी होती है तो लोग इनको खोजने लगते हैं, इसीलिए लड़कियाँ इस कोर्स में बहुत इंटरेस्टेड होती हैं। एक साथ 22 ब्राइड्स थे। कितना वक्त लगा? क्योंकि आप सुबह 8:30 बजे से हम लोग आए हुए और प्रोग्राम चूंकि 12 बजे से होने वाला था बट थोड़ा लेट हो गया बारिश की वजह से, तो 1 बज गया, 1 बजे तक तैयार हुआ। लड़कियां खुद भी ज्वेलरी वगैरह पहन रही थी, कुछ मेकअप टचिंग दे रहे थे लड़कियां जी। ये अलग जो है वो ब्राइड, क्योंकि अलग अलग राज्यों की ब्राइड। हाँ मैं बताती हूँ कि लड़कियाँ जैसे यहाँ कोर्स कर रही हैं तो लड़कियाँ हर स्टेट में जाएगी ना शादी होके, तो वहाँ के हर स्टेट को उसको देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हर स्टेट का तो तैयार मेकअप चाहिए, सीखना चाहिए, इनको देखना चाहिए, इसीलिए ये दिमाग में आया कि हर स्टेट में लड़कियाँ तो पूरे इंडिया में कहीं भी छितर जाएगी। हम बहुत, क्योंकि अभी NEP के तहत ब्यूटी एंड वेलनेस एज अ IVS कोर्स शुरू किया गया है, तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल एजुकेशन को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के उन पर बहुत बल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक तरीके से इनको स्किल इंडिया के तहत इनको हम लोग पढ़ते वक्त ही एम्प्लॉयबिलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी फोकस्ड हो रहे हैं एट अ वेरी अर्ली एज। ये हम लोग के यहाँ NEP 2020 के तहत में IVS एक हमारा कोर्स है जिसमें कि बच्चों को हम लोग को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेन करते हैं। और ये जो बच्चियां हैं हमारी, ये पूरा का पूरा कोर्स में इनको फर्स्ट ईयर में जब एक सेमेस्टर ख़त्म करेंगी तो उनको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 के बाद डिप्लोमा मिल जाएगा। तो लोग 2 में आ चुके हैं, सेमेस्टर 2 में आ चुकी हैं। तो अब हम लोग इनको समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रोफेशनली हम लोग उनको कुछ प्रोफेशनल जो उनको है उनको टेक्निक बता रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ के शहर के जाने माने जो यहाँ के जावेद हबीब हैं उनसे हम लोगों ने बात किया था और उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप इसमें हमें स्पॉन्सरशिप कर दें ताकि हम इस चीज़ को बच्चों में ला सकें। और हम लोग बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं जावेद हबीब जो हमारे यहाँ पर ब्यूटी पार्लर जो हैं, उनसे गोपाल जी का हमने बात किया उनसे और उन्होंने पूरा का पूरा स्पॉन्सर करने की जिम्मेवारी ले ली और इन बच्चियों को ब्राइडल मेकअप जो सबसे कॉस्टलीस्ट है और सबसे डिमांडिंग है आज इस फील्ड में, उसके लिए इन्होंने तैयार किया है। और इसके बाद जो हम लोग लाएंगे वेलनेस में, एक हमारे जो डॉक्टर हैं वो हमारी आएंगी जो यहाँ लाडो एक संस्था चलाती हैं और वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि वो भी हमारे कॉलेज की एलुमनाई हैं। वो आएंगी, डॉक्टर सपना साधना सिन्हा आएंगी, वो आएंगी। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कड़ी में वो करेंगे और यही चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जब बाहर निकलें ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेकर के तो अपने पैर पे वो आश्रित रहें और शहर के जाने माने जो भी हैं डिप्लोमा होल्डर जो भी बच्चियां हमें निकलती हैं वो पार्लर में उनका जॉब मिले।
से अभी भी मेरे पीछे यहाँ पर एक साथ एक मंच पर अलग अलग जगह की ब्राइड्स हमें देखने को मिल रही हैं। कुछ कश्मीर की है, कुछ पाकिस्तानी ब्राइड यहाँ पर बनकर आए हैं, पंजाबी ब्राइड है, साउथ इंडियन ब्राइड है, मणिपुर की ब्राइड, यानी कि अलग अलग राज्यों को ध्यान में रखते हुए इन सभी को रेडी किया गया है। पिछले 15 से 20 दिनों से तैयारी चल रही थी ब्यूटी एंड वेलनेस को लेकर। इन लड़कियों को सबसे खास बात यह है कि इस तरह से जो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है ब्यूटी एंड वेलनेस को लेकर, इन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में ये अपने पैरों पर खुद ही खड़े हो पाए। यानी एक और जहाँ कॉलेज में आपको एडुकेशन के क्षेत्र में अव्वल बनाने की कोशिश की जा रही है, एडुकेशनल कोर्सेज कराए जा रहे हैं, तो वहीं वोकैबुलरी कोर्सेज को भी ध्यान में रखा जा रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह से ब्यूटी एंड वेलनेस के तहत तमाम लड़कियाँ जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, उनको ना सिर्फ उनकी ब्यूटी के बारे में, वेलनेस के बारे में, बल्कि हेल्थ से रिलेटेड भी तमाम इन चीज़ों के बारे में अवगत कराया जा रहा है, प्रैक्टिस कराई जा रही है। और इस तरह से आयोजन किया जा रहा है जिसमें जिसे देखने के लिए आज काफ़ी संख्या में जो कॉलेज की छात्रा है वो भी मौजूद रही। इन लोगों ने बताया कि हमेशा इन लोगों की ओर से कुछ ना कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को काफ़ी भव्य रूप से किया गया और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में भी इन लोगों की ओर से इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे जिसका सीधा असर इन जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियाँ हैं, इनके भविष्य पर देखने को मिलेगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।